अजय झा सनातन बने। खनिया थाना के नए भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री सहित समस्त मंडल पदाधिकारियों ने किया सम्मान। भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह चीमा, जिला उपाध्यक्ष काला सिंह यादव, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह जूदेव, किसान मोर्चा जिला महामंत्री कौशल किशोर शर्मा, खनिया थाना मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश भरदे लिया एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष भानु जैन के द्वारा आपसी मंत्रणा के बाद आज खनिया थाना किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में अजय झा सनातन के नाम की घोषणा की गई। अजय झा के नाम की घोषणा के बाद भाजपा के सभी मंडल कार्यकर्ताओं में काफ़ी उमंग देखने को मिली। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी कार्यालय पर नवनियुक्त किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बनने की खुशी जोरों शोरों से मनाई गई। सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत माता की जय एवं भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में जिला महामंत्री कमल किशोर शर्मा, मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश भरदेलिया, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नवल किशोर चौबे, श्री हर्ष त्रिपाठी, मायापुर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रहलाद यादव, पिंटू सेन, शरद शर्मा एवं अन्य सभी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाई साहब, आज ये खनिया थाना भाजपा कार्यालय पे क्या कार्यक्रम हुआ है? पहले तो हम आपके माध्यम से सभी आपके चैनल वालों को सादर प्रणाम करते हैं। आज जो है हमारे खनिया थाना मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री अजय झा जी को कार्यभार सौंपने हम आए थे और इसी संबंध में कार्यक्रम था। तो ये अध्यक्ष इनको किसने चुना है? पार्टी ने चुना है, अध्यक्ष कोई व्यक्ति थोड़ी चुनता है, पार्टी चुनती है अध्यक्ष। किसान मोर्चा ने इनको जवाबदारी दी है माननीय अध्यक्ष जी को, अजय झा जी को, और ये मुझे उम्मीद है कि पूरा खरे उतरेंगे उस पर। आपको अध्यक्ष बनाया गया है, किस उसे अध्यक्ष बनाया गया है और पार्टी से आप? भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है और जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तत्पर तैयार हूं पूरी तरह से। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी राजू बाथम जी और किसान मोर्चा अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चीमा जी और सभी पार्टी के गणमान्यों के द्वारा निर्णय लेने के बाद मुझे अध्यक्ष का पद ये दिया गया है, तो मैं अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और अच्छा काम करके पार्टी को दिखाऊंगा। धन्यवाद।